तो हाँ जी फ्रेंड्स, तो आपने देखा लास्ट टाइम हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। और दोस्तों, जो ये लहसुन है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा, इसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो शेल शायद हट गया हुआ है, ये देखो जी, आपको हलचल दिखाई दे रही होगी। आजकल सीजन पतंग उड़ाने का हो चुका है। ओए नीचे ना आइयो, ओए ओए ओए। हमने जी लेडीज सूट से का जो है घर से काम शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स हैं। मैं एक नज़र आपको करवा देता हूँ दोस्तों। वेलवेट में कपड़े हैं जी, प्योर वेलवेट का, एक बार खोल के दिखाना। ये वेलवेट का सूट है, प्योर विस्कोस वेलवेट है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल फाइन क्वालिटी है। इस पे आप वर्क देख सकते हैं, फुल स्लीव्स हैं, कॉलर वाला आर्टिकल रहने वाला है। मैं उन सबका दिल से थैंक यू करता हूँ। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये वाले सूट्स हमारे जो है जी बिक चुके हैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, तो आपने देखा लास्ट टाइम हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। प्लांट से रिलेटेड मैंने जो वीडियो ये बनाई है लास्ट टाइम जो बनाई थी जी, तो अभी देखो जी, जितने भी पौधे थे हमारे, आपने देखा 5 दिन पहले का व्लॉग, तो अब हमारे सारे के सारे पौधे, ये देखो जी, सबसे पहले तो आप पौधों को चेक करो, सब के सब अपना हमारे पौधे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में, और परमेश्वर का धन्यवाद आज का सुंदर दिन दिखाया। तो जी, आपने लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सभी का तहदिल से शुक्रिया करता हूँ। बाकी हमारे टोटली प्लांट्स देख सकते हैं जी, सारे के सारे बढ़िया अपना चल रहे हैं, ठीक ठाक हैं सारे के सारे। और दूसरा अनु ने जी कुछ दिन पहले लहसुन होता है जो मोटी कलियों वाला लहसुन होता है, और दोस्तों जो ये लहसुन है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा, इसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आप लोग आगे जो है डे बाय डे ग्रोथ के लिए और हमारे बर्ड्स के और हमारे व्लॉग्स देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करें। और दोस्तों हाँ, आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करनी है, तो आप लोग व्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो आइए चलते हैं अंदर, आप लोगों को मैं वो खुशखबरी भी शेयर करता हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड्स, क्या वो खुशखबरी है तो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी YouTube फैमिली, हमारा घर का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। दोस्तों हमने घर से स्टार्टअप शुरू किया, आपके भाई ने, हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जी लेडीज सूट्स से का जो है घर से काम शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स हैं, मैं एक नज़र आपको करवा देता हूँ दोस्तों। तो काफ़ी सारे हैं ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, हमने एक घर से रोजगार की शुरुआत की है, तो आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। और बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हर प्राइस रेंज में आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करवा सकें। और सबसे खुशी की बात यह है दोस्तों कि पिछले 3 दिन से मैं थोड़ा इसीलिए बिजी था, व्लॉग नहीं आया। तो आप देख सकते हैं जी, ये वाला जो आप सूट्स देख रहे हैं, पहले आप एक बारी नज़र कर लो इन पे सब पे। और साथ साथ अनु ने एक सूट जो वेयर किया हुआ है, वो ये वाला सूट जो इन्होंने वेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, साथ साथ वीडियो चल रही होगी, आप उसमें देख सकते हैं, ग्रेस देख सकते हैं, कपड़े की क्वालिटी देख सकते हैं। और ये प्योर जो है वेलवेट में कपड़े हैं जी, प्योर वेलवेट का, एक बार खोल के दिखाना। तो एक बार आप देख भी सकते हैं दोस्तों, ये देखो जी। तो अनु को थोड़ा बताना इसके बारे में। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये वेलवेट का सूट है, प्योर विस्कोस वेलवेट है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल फाइन क्वालिटी है। इस पे आप वर्क देख सकते हैं, फुल स्लीव्स हैं, कॉलर वाला आर्टिकल रहने वाला है। ये फ्रंट इसकी ऐसी और बैक इसकी प्लेन है, आप देख सकते हैं, विद हैवी स्टॉल एंड प्लाजो के साथ अवेलेबल है ये। और जो इसका वर्क है, बिल्कुल ऐसा है कि आप इसको जितनी बार भी वॉश करेंगे खराब नहीं होगा, विद ग्लिटर आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, देख सकते हैं जी बैक साइड से भी। तो अनु को काफी कन्विंस किया, क्योंकि कैमरा फेस करने में थोड़ा शाये महसूस करते हैं। तो आप लोगों के प्यार की जरूरत है दोस्तों, काफी टाइम से आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं आप सबके सहयोग से आगे बढ़ना चाहता हूँ। और सबसे खुशी की बात यह है दोस्तों कि जो ये वाला स्टॉक देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा हमारा बिक चुका है, और ये डिस्पैच करना है जी कुछ टाइम में। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, कुछ मेरे जानने वाले मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और कुछ रिलेटिव्स ने, मैं उन सब का दिल से थैंक यू करता हूं। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये वाले सूट्स हमारे जो है जी बिक चुके हैं, और इनमें आप देख सकते हैं अलग अलग हैं आर्टिकल्स इनमें, इसमें कुछ नाइट सूट्स भी हैं, कुछ पार्टी वियर सूट्स हैं। तो हर प्राइस रेंज है, जो भी कुछ है दोस्तों, आप लोग बने रहना, मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों को न्यू स्टॉक की अपडेट करता रहूंगा। बाकी फिलहाल जो ये आप देख रहे हैं, इन सब के एक प्रॉपर पिक्स लेकर जो है मैं पोस्ट करूंगा। तो आप जरूर, कोई क्वेरी होगी तो आगे के इन फ्यूचर मैं जो हूँ जी, एक नंबर भी मैं जल्द ही जारी कर दूंगा, जिसपे कि आप अपना प्लेस कर सकेंगे ऑर्डर भी
व्हाट्सएप कर सकेंगे और हमसे कनेक्ट रह सकेंगे। तो एक बार मुझे जो है जी ज़रूर आप लोग मौका देना ताकि मैं एक अच्छी प्राइस रेंज में एक अच्छी क्वालिटी के हम आपको जो है कपड़े प्रोवाइड कर सकें दोस्तों। बाकी तो ट्रस्ट तब बनता है जब आप हमारे से लेंगे आप यूज़ करेंगे दोस्तों, तो मुझे डेफिनेटली यकीन है कि आप रिपीट ऑर्डर हमें ज़रूर देंगे। तो इस बारे में बताना था लेटेस्ट है सारे। और मैं आप और दोस्तों जितने भी आप सूट्स देख रहे हैं सारे के सारे ट्रेंडिंग है, लेटेस्ट है, जो आज की डेट में चल रहे हैं। जो हमारे लेडीज सब्सक्राइबर्स हैं वो देखकर शायद देखकर वो पता भी लगा सकते हैं। कोट सेट्स भी आप देख सकते हैं जिसमें, तो मुझे इतना धीरे धीरे मैं भी आपको जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता रहूंगा। तो जी हमारे इनक्यूबेटर में से चूचू की आवाज भी आ रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जी हमारा नन्ना मुन्ना। तो मैं ये देखो जी उछल के आ गया है जी बाहर, तो ये देख सकते हैं। तो अब इसकी तबीयत कुछ ठीक है दोस्तों, तो वरना एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि बच्चा ये बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। घर से मैंने स्टार्टअप की शुरुआत की है और आप लोगों के सहयोग से दोस्तों कि हम भी अपना रोजगार अपना कमाने लायक हो जाएं, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं हमारी फैमिली हैं, तो हमें ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाना। तो ये देखो जी मोरनी कहाँ गई, चलो 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 चलो। तो मोरनी जी हमारे को ढूंढते ढूंढते नीचे ही आने लगी। तो देख सकते हैं जी इसके पंख भी आ चुके हैं मुर्गे के प्रॉपर। ये देखो जी बड़ा सुंदर लग रहा है। तो लो जी मैं चूजे को भी ले आया हूँ और कुछ पपीता है इनको लेकर आया था मैं देने के लिए। तो आज तो धूप अच्छी लगी है जी, मौसम देख सकते हैं बहुत बढ़िया मौसम हुआ हुआ है, तो इस तरह की धूप है। और विटामिन डी आप लोग भी अपने बर्ड्स को जरूर धूप में खोला करो, कबूतर हैं मुर्गे हैं जी सबको विटामिन डी धूप का बहुत बड़ा रोल है, तो ज़रूर खोलना चाहिए। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जी सर्दियों में हमारे लिए भी और बर्ड्स के लिए भी। तो चूजे को देख सकते हैं जी ये दोस्त बन चुका है मेरा। तो कुछ ये पपीता लाया था मैं, तो ये दे देता हूँ जी इनको, ले मोरनी खा ले। लो जी तो ये खाने लगे, तो चलते हैं अंदर और पतंग उड़ाने लगे हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं जी। आजकल सीज़न पतंग उड़ाने का हो चुका है। ओए नीचे ना आइयो, ओए ओए मैंने मना किया था, ये चुटकू मानता नहीं है। थोड़ा सा अकेला रह गया जी, वरना ये बच्चे तो हाथ में भी नहीं आते, ऐसी ब्रीड है आप लोगों को पता ही है। लो जी छोटी सेना हमारी, सुबह के टाइम इनको खाना दे दिया था मैंने और देख सकते हैं सारे के सारे मेरे वेट में ही खड़े हुए हैं। तो कुछ थोड़ा थोड़ा सा इनको भी दे देते हैं और इसको भी लेके चलते हैं अंदर, क्योंकि मैं इसको धूप में छोड़ देता हूँ जी यहाँ पे। धूप में छोड़ने से ये हो जाता है कि अकेला नीचे अकेला सा रहता है तो परेशान सा हो जाता है, तो मैं यहाँ धूप में छोड़ दूंगा इसको पिंजरे में। लो जी तभी यहाँ पे अब देखना धूप सेकता रहेगा और दोस्त मेरा। तो लो जी जो बड़ी मुर्गियाँ खोल रखी इनको दे देते हैं खाने को। तो पपीता बड़े शौक से खा रहे हैं और हमारी जो मिनिएचर चिकन है इनको भी दे देते हैं जी, मैं अंदर ही दे देता हूँ इनको। पानी तो इन्होंने वो कर दिया। लो ये देखो जी पपीता भी बड़े शौक से खा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल हरी सब्जियां पत्तेदार मुर्गियां जो है बड़े शौक से खाती हैं। और दोस्तों आपके साथ एक और बात जो कि ज़रूरी शेयर करनी है जी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को कॉन्ग्रेट्स। तो हमारे रोज़गार के साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी मिली है जी कि यहाँ पे एक शेल शायद हट गया हुआ है। ये देखो जी आपको हलचल दिखाई दे रही होगी हमारे कबूतरों के केज में, तो एक न्यू मेंबर आ चुका है जी हमारी पेट्स फैमिली में। तो एक अंडे में से बच्चा निकल चुका है, शायद दूसरा अभी तक नहीं। ओ देखो जी बच्चा अंदर अंदर को जा रहा है, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। तो ये एक आपके साथ खुशखबरी शेयर करनी थी, और आज सुबह ही मैंने दोस्तों देखा तो जो है जो दोनों कबूतरी जो है बच्चे को मार रहे थे, तो मैंने जो है जी बच्चे को जो है ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं जी, तो छोटे वाला बच्चा भी इनको मैं धूप में छोड़ दूंगा, क्योंकि अलग अलग केजेस जो हैं हमारे वो इसीलिए मैंने रखे हुए हैं। इनको बारी बारी से मैं स्टेप बाय स्टेप दो को इधर दो को इधर, तो ऐसे धूप में जी इनको छोड़ देता हूँ और आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। तो आप लोग बर्ड्स को जरूर धूप में छोड़ा करो। ये था जी आज का हमारा ब्लॉग, तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों एक न्यू ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।